हेलो गाइस, वेलकम टू टेक बीस्ट। आज की वीडियो में करेंगे अनबॉक्सिंग आईफोन 13 की, जो मैंने परचेज करा है फ्लिपकार्ट पीपीडी सेल से। प्राइस आपने चेकआउट कर ही लिया होगा थंबनेल में। एक तरह से दो चीजें रिव्यू हो जाएंगी, आईफोन 13 एज वेल एज जो फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट आता है वो जेन्युइन होता है, ओरिजिनल होता है या फिर फेक होता है, वो करेंगे आज उसका रिव्यू। चलिए फटाफट से अनबॉक्सिंग को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा आईफोन 13 का बॉक्स, देख सकते हैं डायगोनली प्लेस्ड है कैमरा डुअल कैमरा सेटअप के साथ। बॉक्स को देख के आपको पता लग गया होगा कि स्टारलाइट कलर है। आइए बॉक्स को चेकआउट करते हैं। आईफोन एप्पल लोगो, काफी स्लिम है बॉक्स, एज हमें इसके साथ एयरफोन्स अडेप्टर चार्जर देखने को नहीं मिलता। फटाफट से करते हैं आईफोन 13 की फर्स्ट लुक रिवील। iPhone 13 लॉन्च हुआ था 14 सितंबर 2021 एंड ये आज भी iPhone 14 आने के बाद बहुत ही ज्यादा पॉपुलर फोन है, एज इसमें सेम स्पेक्स आते हैं मोस्टली iPhone 14 वर। चेकआउट कर सकते हो, सेम डायगोनल लुक के साथ आता है, डायगोनल लुक कैमरास iPhone 14 में भी, सेंटर प्लेस लोगो, मॉडर्न लुक की पहचान है वो iPhones की। कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसका वेट है 174 ग्राम्स। A15 की बायोनिक चिप आती है जो स्मूथ परफॉर्मेंस में हेल्प करती है, सेम ही चिप आती है iPhone 14 में भी। एक ही डिफरेंस है उसमें आती है iPhone 14 में 5 कोर एप्पल GPU, बट कुछ ज्यादा डे टू डे लाइफ के अंदर आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। साइड्स की बात करें तो आती है एल्युमिनियम फ्रेम, बट स्टारलाइट कलर है तो इसमें आती है गोल्डन प्रीमियम एल्युमिनियम साइड्स के साथ, जो काफी प्रीमियम लगता है, देख सकते हैं। एंड मैंने इसको जिस प्राइस पर परचेज करा है वो काफी वैल्यू फॉर मनी फोन बन जाता है हमारा आईफोन 13। एस आईफोन 14 का जो प्राइस है वो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करता। ऐसा लग रहा है एप्पल ने उसको रीपैक करके आईफोन 13 को दोबारा से उतार दिया मार्केट, बट एनीवेज क्या करें। अब बात करते हैं जो इसकी मेन हाईलाइट आईफोन 13 की, इसके कैमरा। पता है डुअल कैमरा सिस्टम, जो दोनों ही कैमरा है 12 मेगापिक्सल के। अभी मैं कुछ फोटोज शेयर करूंगा आपके साथ आगे वीडियो में, सो दैट आपको अंदाजा लग जाएगा कि इसके कैमरास की क्वालिटी क्या है। करते हैं आईफोन 13 को टर्न ऑन। लुक एट द सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले, जो आता है डॉल्बी विजन, 800 निट्स मैक्सिमम ब्राइटनेस। एंड टिपिकल ब्राइटनेस की बात करें आउटडोर्स में HDR कंटेंट को व्यू करते हुए तो वो है 1200 निट्स की। व्यूइंग एंगल्स में कोई दिक्कत आने नहीं वाली। 6.1 इंचेस सुपर ओएलईडी स्क्रीन, एक बार इसकी ब्राइटनेस लेवल को फुल करके देखते हैं, देख सकते हैं डिस्प्ले क्वालिटी काफी बेहतरीन। HD कंटेंट आपको देखना हो, मूवीज देखनी हो, गेम्स खेलनी हो, तो आपको बहुत मजा आने वाला है इस डिस्प्ले के साथ। रिफ्रेश रेट की बात करें तो हमें मिलता है 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, जो काफी डिसअपॉइंटिंग है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट सिर्फ एप्पल ने प्रो सीरीज के लिए लिमिटेड रखा है। अब मैं शेयर करता हूँ आपके साथ वीडियो कंटेंट एंड कुछ पिक्चर्स, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आपको कैसी लग रही है इसकी कैमरा क्वालिटी। चेक इट आउट। क्या आपने अभी तक देखी iPhone 12 की अनबॉक्सिंग वीडियो, जो मैंने परचेज करा Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल से? नहीं देखा तो प्लीज चेक इट आउट, दैट वीडियो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज TechBeast चैनल पर। iPhone 13 में हमें मिलती है कमाल की डिस्प्ले, सुपर कैमरा क्वालिटी, जिससे हम ले सकते हैं कमाल की पिक्चर्स एंड बेहतरीन वीडियोस। यही चीजें तो बनाती है इसको मोस्ट वैल्यू फॉर मनी फोन ऑफ द ईयर। एंड सेम ही चीजें आपको मिलती है iPhone 14 के अंदर, सेम लुक, सेम कॉन्फ़िगरेशन, सेम प्रीमियम फीलिंग, तो कौन क्यों ही जाएगा iPhone 14 की तरफ। अगर आपने अभी तक नहीं देखी iPhone 14 सीरीज, iPhone 14 Pro Max वीडियोस, तो आपको मिल जाएगी वो TechBeast चैनल पर एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर योर टाइम। Check the mic and make sure it sound right, boys.